हिंदी बस संपर्क भाषा के रूप में है या हिंदी के विस्तार से बिहार की अपनी भाषाओं को उसमें लुप्त होते देखते हैं आप? हिंदी हमें कुछ नहीं बिगाड़ रही है। संपर्क भाषा तो आजादी की लड़ाई के समय में थी, उसके बाद हम सपने देखते रहे हैं और आज भी देख रहे हैं कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो। उसमें बहुत सारे अड़चन हैं और हमारी भाषा के कुछ लोग, हम उनको सिरफिरा कहेंगे कि सिरफिरे लोग अगर ये चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा ना हो, हमारी भाषा के लोगों को ऐसा सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन और भी पूरे भारत के भी अनेक भाषाएं हैं, जैसे दक्षिण की भाषाएं हैं, तो उन लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, मगर हम तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सपने देखने वाले लोग हैं, तो हम इसको संपर्क भाषा, हमको डेरोगेटरी टर्म लगता है। ये तो हमने इसलिए कहा कि उस समय आजादी की लड़ाई के समय में वो संपर्क भाषा सर्वमान्य थी, लेकिन और लोक भाषाएं उसमें लुप्त होंगी इस तरह का मुझको नहीं है। मैंने कहा ना, अभी अभी लुप्त होने की चर्चा मैंने की, ये लुप्त हो रहा है अन्य कारणों से, हिंदी के कारण से नहीं लुप्त हो रहा है। आप तकनीकी ज्ञान अगर हिंदी में दे रहे हैं तो वैसे मैथिली में आप दे सकते हैं, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो। हिंदी में भी आपने नहीं दिया है, उसके लिए अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। अभी तो हमें डर हो रहा है कि हिंदी ना लुप्त हो जाए, लोक भाषा रह जाएगी क्योंकि वो मातृभाषा है, और हिंदी ना लोप हो जाए इसका भय हिंदी को भी सताता है। उनका स्क्रिप्ट देखिए, उनका स्क्रिप्ट रोमन हो जा रहा है, तो इसीलिए सो हमें जरा भी भय नहीं है कि लुप्त हो जाएगी हिंदी में लोक भाषाएं, बल्कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित देखना चाहते हैं। एक प्रश्न उनका और है जो इसी हाँ, पूरक का क्या बोले सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्रश्न है। प्रश्न, पूरक। अगर मैथिली भोजपुरी और मगही समृद्ध होती है तो क्या बिहारीपन और बिहारी एकता को ठोस पहुंचेगा? बिहार एक जियोग्राफिकली एक प्रांत है, एक पूरे सार्वभौम भारत देश का भौगोलिक रूप से एक प्रांत है बिहार, और उस बिहार में तीन भाषा भाषी प्रमुख रूप से हैं, कई भाषा भाषी हैं लेकिन तीन प्रमुख रूप से हैं। तो इससे बिहारीपने को क्यों ठेस पहुंचेगा, ये सोचना चाहिए कि अब जैसे, हाँ ये जरूर लगता है कि अगर कोई बाहर में जाएगा या बाहर का यहाँ आएगा तो आपको कहेगा कि हमको बिहारी भोजन चाहिए, बिहारी भाषा सुनना चाहिए, तो बिहारी का मतलब भोजपुरी होता है, तो इससे हम मैथिलों को कोई भी दुख नहीं होता है, अरे कहिए बिहारी भाषा उसको, हम मैथिली भाषी हैं, तो बिहार को ठेस नहीं पहुंचेगा क्योंकि हम बिहारी लोग, आपको तो पता है आप बिहार फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो बिहारी लोग जैसे हम मगही के बारे में कहते हैं, तो घुमा फिरा के बिहारियों के बारे में ये बात है कि हम बिहारी लोग सम्राट प्रवृत्ति के लोग हैं, यहीं से राजतंत्र शुरू हुआ है और यहीं से सम्राट भी, यहीं जनतंत्र शुरू हुआ है, तो हम लोगों को ये सब कहाँ कुछ व्याप्ता है, कुछ नहीं व्याप्ता है, हमारा बिहार वैसे ही रहेगा और हम तीन भाषाएं ऐसे ही बोलते रहेंगे। अच्छा, हम संस्कृति मंत्रालय में थे तो दो तीन शब्द हमें सुनने को मिलते थे और उस पे फेस्टिवल होता था, जैसे स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कश्मीरियत है ना, उसके बाद पंजाबियत, स्पिरिट ऑफ पंजाबी। तो मैं इनके प्रश्न को कुछ ऐसे देखना चाहता हूं कि अगर बिहार को, मुझे हिंदी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर बिहार को एक ऐसे ज्योग्राफिकल, एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा जाए जिसकी भाषाई अस्मिता है, जिसके खान पान में वैविध्य है, जिनका रागाचार है, जिनका लोकाचार है, जिनका स्कॉलरशिप पर पकड़ है, तो उस सब को मिला के जो एक बिहारियत होना चाहिए उसमें आपको क्या लगता है? इन तीनों जो ये भाषाएं हैं और इनके साथ जो इनकी उपभाषाएं या सहचरी बोलियां हैं,
उनको अगर बढ़ावा दिया जाए तो क्या बिहारियत को बनाने में, एक छोटा सा उदाहरण है कि छठ ने बिहार को एक पॉलिटिकल कल्चरल आइडेंटिटी और यूनिवर्सल आइडेंटिटी दिया है। और हम तो देखते हैं कि मुसलमान लोग भी छठ करते हैं। हम तो ये जानने की जरूरत है, तो आप इस पे बताइए कि बिहार को अगर एक कल्चरल आइडेंटिटी को, हम तो बोलते हैं कि हम प्रजातंत्र भी हमसे शुरू हुआ, गणतंत्र भी हमसे शुरू हुआ, अशोक भी हमारे यहाँ के थे, सब थे, लेकिन क्या एक कल्बिनेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी बिहार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? तो उसमें बिना प्रयास के कल्चरल आइडेंटिटी तो आपका मिथिला पेंटिंग हो ही गया, उसमें तो किसी ने प्रयास नहीं किया। और अगर बिहार का कल्चर है तो बड़े फक्र के साथ जर्मनी में बैठे हमारे बिहार फेटर्निटी के भाई लोग सीना तान के कहते होंगे कि भाई हमारे बिहार का ये कला है, बिहारी की कला है जो संसार भर में सबसे अधिक समादृत है। तो एक कल्चर में एक वो चीज तो आपका आ ही गया, उसके अलावे जितना कुछ होता है, हमारे भोजन में देखिए देखिए कितना बढ़िया है, भोजन में लिट्टी चोखा पूरे भारत वर्ल्ड का किस्सा है लिट्टी चोखा, तो भाई वो भोजपुरी भाइयों का है और ये मैथिली भाइयों का है। तो इस तरह से कल्चर में ये सब तो आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आइडेंटिटी आप नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएगी, वो तो आउटरेज कर जाएगा, जिसमें जो कुछ रहेगा वो आगे बढ़ के खड़ा हो जाएगा और वो है। इसीलिए बिहारी लोगों को चाहे लोग इतना भी हंसे और बोले, बिहारी ही मात्र है जो वर्ल्ड में 24 देश में राज कर रहा है। तो इसीलिए बिहारियों को सिर झुकाने की जरूरत नहीं, ना ही बिहार की जो लोक भाषाएं हैं, हमारी जो मातृभाषा है, हमें उस पर जरा भी, हमें बल्कि फक्र होना चाहिए कि हमारे पास ये सब कुछ है। कल्चर भी हम ही है, सबसे ज्यादा बिकने वाले भी हम ही लोग हैं, तो यही बात है, हर तरह से बिकने वाले।